हाय एवरीवन फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मानवीर एंड फैमिली दोस्तों देखिए आज मुझसे क्या हो गया मैं सफाई कर रही थी और मेरा ही हाथ लगने से मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट बहुत ही ज़्यादा पसंदगी का एक फ्लावर पॉट टूट गया और ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया मुझसे खुद से ही टूटा था तो मैं क्या करती मानवीर सोच रहा था कि अच्छा है इस काम में मैं नहीं था नहीं तो उसे तो शायद मार भी पड़ती या फिर बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती लेकिन खुद से हुआ था तो हम कुछ नहीं बोल सकते और अक्सर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डांट देते हैं ये मैंने तब रियलाइज़ किया क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अब से बच्चों को मत डांटना मैं इसे फेंकने की सोच रही थी लेकिन मानवीर के पापा ने कहा कि ये फिर से अच्छे से जुड़ जाएगा तो मैंने कहा ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो ये एक चैलेंज बन गया उन्होंने कहा कि नहीं मैं चैलेंज लेता हूँ कि ये हो जाएगा मैंने भी कहा कि शर्त लगा लो ये नहीं होगा लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाएगा चलो देखते हैं तो मानवीर और पप्पा लग गए उसे रिपेयर करने में वापस से जोड़ने में तो उन्होंने एक जो प्लास्टिक का बेकार बाउल था डिब्बा था उसके अंदर एक सीमेंट लिया है जो व्हाइट सीमेंट आता है उसे लिया उसे दो तीन चम्मच जितना पानी डाल के थो हल्की सी पेस्ट बनाई कड़क सी और उसके अंदर फेविकोल को दो चम्मच जितना ऐड कर लिया ताकि ये अच्छे से उसे पकड़ सके, इसकी मजबूती बढ़ जाए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है तो ये मिक्स कर लिया है मुझे तो नहीं लगता है कि ये पॉट जो है ये वापस से जुड़ पाएगा और सही हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं इसके और इसे जोड़ना अब मुझे नामुमकिन लग रहा है लेकिन ट्राई कर रहे हैं ये दोनों और इन्होंने चैलेंज लिया है तो देखते हैं क्या करते हैं ये दोनों तो इन्होंने पहले सेट करके देखा कि ये पॉट किस तरह से कहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा तो ये सेट करने के बाद अब देखिए सेट हो चुका है इस तरह से अब ये इसे वापस से निकाल दिया है और यहाँ जहाँ पर भी ये टूटा था वहाँ पर जो ब्रश था एक पुराना उसकी हेल्प से ये पेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं मानवीर भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था तो वो भी पापा के साथ जुड़ गया है और देखिए वो भी लग गया है पॉट को वापस बनाने के लिए जोड़ने के लिए तो देखिए इस तरह से वो सारे हिस्सों को जोड़ते जा रहे हैं क्या आपने दोस्तों कभी ऐसा ट्राई किया है और ये सक्सेस हुआ है अगर हुआ है और किया है तो लाइक जरूर करना बाकी पूरे हिस्से जो बड़े बड़े थे वो तो अच्छे से जुड़ गए लेकिन यहाँ पर से आ, जो था वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे तो उसे जोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था तो मुझे लगा अब तो शायद नहीं होगा लेकिन मनविर के पापा ने क्या किया सीधा फेविकोल लिया और उसके अंदर सीमेंट को इस तरह से एक लुगदी सी बना ली और इसे ही यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया और उसके बाद ये इस तरह से तो अच्छा नहीं लगता पूरा टूटा फूटा उसके अंदर पूरी जो दरारें थी वो दिख रही थी तो अब इस तरह की दरारें तो अच्छी नहीं लगती तो क्या किया कि ये जो टूटा फूटा हिस्सा था ना उसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए हमने मिरर की हेल्प ली तो देखिए मिरर है आपके पास तो आप मिरर ले सकते हैं ऐसे कामों में या फिर आप कुंदन की हेल्प ले सकते हैं मोती ले सकते हैं या और कोई भी ब्यूटीफुल uh, सी सुंदर सी लेस है या कोई भी डेकोरेटिव आइटम है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं तो देखिए जहाँ पर भी टूटा था जो दरारे थी उसके ऊपर फेविकोल को अप्लाई किया और इस तरह से सभी जगह पर मिरर को अटैच कर लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक पैटर्न बन गई और आप चाहें तो इस पूरे में भी मिरर लगा सकते हैं इस तरह के वाज जो होते हैं पूरे मिरर लगे हुए वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और ये देखिए पॉट पूरा रेडी हो गया है तो देखिए दोस्तों ये पॉट तो बिल्कुल रेडी हो चुका है इसे पूरा रेडी करने के बाद दो दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद मैंने वापस इसे यूज़ किया है तो पापा और मानवीर ने तो उसका चैलेंज पूरा कर लिया लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसने छोटे छोटे टुकड़े फिर से जुड़ सकते हैं और जितना ये सुंदर पहले था उससे भी ज़्यादा सुंदर अब लग रहा है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो कृष्णा भगवान है ये भी मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं ये मैंने दीपावली से पहले लिए थे और ये भी मानवीर के हाथों टूट गए थे और उसे भी उसके पापा ने फिर से जोड़ दिया अब पता ही नहीं चलता है कि ये कहीं से टूटे थे वैसे तो खंडित चीज़ें नहीं रखते हैं लेकिन ये अब खंडित नहीं रही है पूरी तरह से अच्छे से ये रेडी है पूरी है ये सो so फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी इस तरह की प्यारी सी चीज़ टूट जाए तो आप इसे इस तरह से वापस जोड़ सकते हैं और ये सही में हो सकता है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना शेयर करना और आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय भारत